एक ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल की, पर अगर एक अच्छा संविधान, एक बढ़िया संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा भविष्य का, ये आज हमारे सामने चुनौती है। आज हमारे सामने चुनौती है, कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं, अपने संस्कृति का रास्ता या मोदी जी का रास्ता। ये इसीलिए मैंने कहा आप दिल से सुनिएगा, कान से मत सुनिएगा, ये हमारे सामने आज चुनौती है। केवल चुनाव की नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप सब रक्षक हैं, आप सब रक्षक हैं उस संस्कृति की, आप सब रक्षक हैं उस संविधान के, और अगर आप रक्षा करेंगे हमें कैसा प्रदेश अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना, यह तय करेगा ये चुनाव 11 महीनों बाद। कैसा प्रदेश हम सौंपना चाहते हैं, 15-18 साल से बीजेपी के कोई मंदिर या मस्जिद में जाके बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली, बेरोजगारी तो तब दूर होगी जब यहां उद्योग आए। हमारे इस संभाग में क्यों नहीं उद्योग आ सकते, इतने प्राकृतिक संसाधन है हमारे कि किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। निवेश तब आता है जब विश्वास होता है। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान बदले, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से ना हो, यह हमने एक शुरुआत करी थी। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, आज का नौजवान की अपनी सोच है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान के सपने हैं, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये चुनौती है हमारे सामने, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का जब हमारे नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।